जम्मू जिला के बिश्नाह विधानसभा सीट से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त उम्मीदवार राजीव कुंदल के चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश की इंदौरा विधानसभा सीट के विधायक मलेंदर राजन के ने रफ्तार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और मतदाता इस बार भाजपा को सबक सिखाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त उम्मीदवार नीरज कुंदल को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता अब भाजपा की लुभावने वादों से ऊब चुकी है और अब जनता प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाकर प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे। इस समय हम जम्मू जिला के बिश्नाह विधानसभा सीट में हैं, क्षेत्र में हैं, और यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुंदल जी, जो बड़े युवा हैं और यहाँ पे अपने युवा होने के नाते मतदाताओं को अपनी ओर रिझा रहे हैं, और कांग्रेस AICC की तरफ से हिमाचल से जो है इंदौरा विधानसभा सीट से जो है विधायक, मौजूदा विधायक वहाँ के मालेंद्र राजन जी भी पूरे दलबल के साथ अपने प्रत्याशी को यहाँ जिताने आए हैं। और किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार पार्टी का प्रचार चल रहा है, आओ बात करते हैं मालेंद्र राजन जी। तो मालेंद्र जी, आपका स्वागत है रफ्तार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रफ्तार चैनल के सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विशेष रूप से यहाँ बिश्नाह की जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर AICC की तरफ से हम लोग आए हैं। मेरे साथ AICC की तरफ से भाई नवजोत संधू जी भी हैं यहाँ पर, और पूरी अपनी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ से हैं, एक युवा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से इस बार उतारे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा तजर्बा जो है संगठन, कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर रहा है श्री नीरज कुंदन जी, उनकी जीत को यहाँ पर जो है सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मालेंद्र जी, आप काफ़ी दो दिन से यहाँ पे मैदान में हैं, आपने क्षेत्र का दौरा किया है, तो किस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं आपको नज़र आई, क्या यहाँ चाहते हैं लोग, यहाँ कल क्यों ये विधानसभा सीट पिछड़ गया, और किस प्रकार से यहाँ आप चाहते हैं कि कौन सी योजना यहाँ पे लाई जाए जहाँ से इसका विकास हो इस क्षेत्र का, आपने क्या अनुभव किया? देखिए, ये बिल्कुल आपने बात ठीक ही बात यहाँ पर कही है, और आपने भी ये इस बात को जो है यहाँ का जो जनमानस है उनके बीच जाकर इस बात को फील किया होगा कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है बिश्नाह, प्रोडक्टिव विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो ये काफ़ी जो है पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। पिछले दस, एक बॉर्डर का बिल्कुल एक एरिया है यहाँ पर, अगर आप फसलों की बात करें, अभी धान की फसल है, बड़ी एक अच्छी फसल यहाँ पर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से पिछले खास करके जो 10 वर्ष यहाँ पर निकले हैं, इसमें से बिश्नाह में जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो इस विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिल पाई हैं, और इसके लिए मैं समझता हूं कि पूरी तरह से जो यहां के एक राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक लोग हैं जिम्मेवार हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यहां से एक युवा सोच, एक युवा एनर्जी के साथ एक युवा को यहां से कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि उनका जैसे मैंने कहा है कि बड़ा लंबा एक तजुर्बा जो है कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रदेश के अंदर रहा है, देश की राजनीति में रहा है, तो निश्चित रूप से उसका जो फ़ायदा है, यहाँ बिश्नाह के लोग जो है नीरज कुंदन जी को अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर JNK की असेंबली में भेजकर उसका फ़ायदा जो है ले सकते हैं, और निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं नीरज कुंदन जी, इस बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र की जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको गति आने वाले समय में अवश्य देंगे, युवाओं के लिए सोचेंगे, जहाँ पर हमारा जो किसान भाई हैं उनके लिए सोचेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि बॉर्डर के साथ एरिया है, बहुत सी प्रॉब्लम है। दो दिनों में हमने यहाँ पर बिजली के मीटरों को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, जो स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गाँव का एरिया है हमारा यहाँ पर। और इसके अलावा अग्निवीर जो एक युवाओं के साथ, मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर धोखा हुआ, और ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू यहाँ पर है, क्योंकि बहुत से जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो सेना में यहाँ से जाते हैं, उनके नाम पर जो अग्निवीर के नाम पर जो धोखा हुआ है, वो भी एक लोगों में इसका जो है रोष व्याप्त यहाँ पर है।
मनिंदर जी, 370 हटने के बाद क्या माहौल आप यहाँ देखते हैं, किस प्रकार शांति आई है, और जो चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में जो है उसका फायदा किसको मिल रहा है, पब्लिक को मिल रहा है, पब्लिक उसमें क्या आपकी प्रतिक्रियाएं पब्लिक की रही हैं, ठीक रहा है, क्या कहते हैं 370 के बारे में, ख़त्म होने के बाद कैसा माहौल है? देखिए, आम जनमानस की अगर बात करें, 370 की धारा जो है, कोई बदलाव जो है, जो यहाँ के लोग जो यहाँ पर जो फील कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है उनके जीवन में नहीं आया है। खास करके जो हमारे युवा साथी हैं, यहाँ के लोग जो हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और एक उम्मीद की किरण जो है उनको श्री राहुल गांधी जी के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के की तरफ जो है लोग उम्मीद की जो है उम्मीद की किरण उनको कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। तक क्यों? क्योंकि जो है जो राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का, जो हमारे यहाँ के खास करके बिश्नाह के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उस बात को भली भांति समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से इस बार जो है यहाँ पर, मैं कहता हूँ अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताने का मन बनाया हुआ है। नीरज जी, अभी कटरा में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो तीन परिवारों ने इस प्रदेश को डुबो दिया है, इस रियासत को पीछे धकेल दिया है, खाब केवल लूटपाट ही करी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या परिवारवाद के साथ लग के कांग्रेस को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, या यहाँ सरकार बनाएंगे मिलकर आप कॉन्फ्रेंस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, जो परिवारवाद की बात, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद अगर अपनी पार्टी के अंदर देखें, अभी पीडीपी के साथ उनका जब यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस था, तब उस बात को जो है प्रधानमंत्री किस चीज़ की संज्ञा देते हैं। जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर के विकास की बात, लोगों में ये आम धारणा है कि यहाँ का विकास जो है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर थी तब जो है विकास के कार्यों को यहाँ पर गति मिली है, और उसके बाद जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ से गई है, एक पूरी तरह से विकास के कार्य जो है ठप पड़े हुए हैं। जो ये बातें बोलते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें बहुत ज़्यादा जो भाजपा की बातों का और ज़मीनी हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इस बात को लोग भली भांति समझते हैं। सरकार बनाने के बारे में क्या है, सरकार बनेगी नेशनल कांग्रेस कांग्रेस के मिला के दोनों की? निश्चित रूप से यहाँ पर जो माहौल है इस वक्त जम्मू कश्मीर का, आम जनमानस इस चीज़ को जो है पूरी तरह से मन बना चुका है कि हमने इस बार जो है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है अलायंस की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लानी है, ताकि हमारे जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, बच्चों के हमारे भविष्य जो हमारे विकास के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके जो है सुनहरी सपने जो है वो तभी उनके पूरे होंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी। ऐसा आम जनमानस ने यहाँ पर मन बनाया हुआ है, और निश्चित रूप से सरकार जो है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा सीट के विधायक मालेंद्र राजन जी, जो बड़े युवा हैं और कर्मठ नेता हैं, और ESCC में इनकी अच्छी पकड़ है, और केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें विशेष रूप से प्रचार करने के लिए यहाँ भेजा है, और बिश्नाह सीट इनके जिम्मे लगाई है। तो इनका कहना है कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है नीरज कुंदल बड़े कर्मठ हैं और पक्के हैं, और ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाएगी, और निश्चित रूप से कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मिलकर जो है सरकार यहाँ पर बनेगी और लोगों की मुद्दों को पर खरा उतरेंगी। मैं कोमल रमोला, कैमरामैन टिम अंकल के साथ, जम्मू बिश्नाह विधानसभा सीट से।